शायद ही कोई यहाँ पर बैठा होगा जिसने जन्म से चांदी का चम्मच लिया है, वरना मैंने वो भी देखा देखा एक वो जमाना रे, मैंने वो भी देखा देखा एक वो जमाना रे, सुबह मिल गया तो ना था रात का ठिकाना रे, सुबह मिल गया तो ना था रात का ठिकाना रे, मैंने वो भी देखा देखा एक वो जमाना रे, मैंने वो भी देखा देखा एक वो जमाना रे, सुबह मिल गया तो ना था रात का ठिकाना रे, सुबह मिल गया तो ना था रात। लेकिन जब से ये दरबार मिला है क्या हुआ, अब ना पीते वो भंडार मिला है किसके पीछे, अब ना खाली हो वो प्यार मिला है किसके पीछे, अब ना खाली हो वो माल मिला है किसके पीछे, ओ दादी तेरे पीछे। आपको देखा है आजकल, हमने देखा है पूरे हिंदुस्तान में, बोले भजन कीर्तन वही जमता है जहाँ भोजन का आयोजन होता है, है? बोले जटा भोजन नहीं, बड़े लुगाई आवा दो चार दस मिनट आधी घंटा घंटा पर बैठ जावा, बोले अब तो घर में जाकर रसोई पकानी है, अगर भोजन हो तो अठे बैठ जाती है, फिर मारा इना भी बुला लेती, टाबर ने भी बुला लेती, काम हो जाता रसोई को है। देखो आपको बताऊं, जो लोग भजनों में सिर्फ भोजन करने आते हैं, ऐसा नहीं है सब आते हैं, कृपा उन पर भी होती है जो भोजन करने आते हैं। अरे ये तो नारायणी बाई है, ये तो सारे जगत की सेठानी है, जरूरी नहीं है कि मैं गाऊंगा तभी काम बनेगा, जरूरी नहीं है आप हाथ उठाओगे तभी काम बनेगा, जरूरी नहीं है कि आप ताली बजाओगे तभी काम बनेगा, लेकिन हाँ जो भोजन करने आते हैं काम उनका भी बनता है। जो भजनों में भोजन करने आते हैं वो सिर्फ एक रात का डिनर लेकर जाते हैं, लेकिन जो भजनों में सिर्फ भजन करने आते हैं वो अपनी सातों पुश्तों का डिनर लेकर जाते हैं। कौन कौन लेकर जाएगा, दोनों हाथ खोल के, अब ना पीते वो अब ना खाली हो भंडार मिला है किसके पीछे, अपना खाली हो वो प्यार मिला है किसके पीछे, ओ दादी तेरे पीछे। देखे अभी मेरी जब रमा भाभी से बात हो रही थी, बोले विकास भैया हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल से आ रहे हैं, और आपको पता है हिंदुस्तान में कोई शहर ऐसा बाकी नहीं होगा जहाँ पे उन्होंने कीर्तन नहीं किया होगा, लेकिन नागपुर वालों का इतना प्यार है कि उनके पास जब भी कोई कॉल आता है बोले हम 14 में कई रात नहीं जगाएंगे। कल मैं आदिलाबाद गए, हमारे सारे भाई थे, बोले हम पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि विकास शर्मा जी आ जाए, लेकिन वो नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि नागपुर वालों ने इतना प्यार दिया है। लेकिन देखो मैं छोटा मुंह बड़ी बात कहता हूँ, अगर भजन अच्छे लग रहे हैं तो फिर ऐसी तालियां बजा दीजिए कि 12 साल नहीं दूसरा नंबर अगली साल ही लग जाए। दोनों हाथ खोल कर एक बार, हम तो जो कुछ भी हैं तो जो कुछ भी है जैसे भी है किसके पीछे, दादी तेरे पीछे, हम तो जो कुछ भी है जैसे भी है किसके पीछे, दादी तेरे पीछे। लोग कहते हैं कीर्तन भीड़ से होता है, कीर्तन भीड़ से नहीं होता, कीर्तन भक्तों से होता है। अगर कीर्तन में 5,000 भगत हैं और वो दादी वाले नहीं तो हमारे किसी काम के नहीं, और जिस कीर्तन में नागपुर वाले हैं जो दादी वाले हैं वो दादी के दरबार के काम के हैं। कौन कौन दादी वाले हैं, जरा दोनों हाथ खोल के ताली जोरदार, 1 2 3 4 दोनों रानी सती दादी की। आपने कृपा क्या करी है, थोड़ी ताली बजा के जोरदार। हाथ में जो तूने दे दी सोने की कलम रे, हाथ में जो तूने दे दी सोने की कलम है, आंखों में खुशी के आंसू नाचू छम छम रे, आंखों में खुशी के आंसू नाचू छम छम रे, हाथ में जो तूने दे दी सोने की कलम रे, हाथ में जो आंखों में खुशी के आंसू नाचो छम छम रे, आंखों में खुशी के आंसू नाचे छम छम रे।
लहरी एक नया परिवार मिला है किसके पीछे, लहरी इन भक्तों का प्यार मिला है किसके पीछे। देखिए छोटा मुंह बड़ी बात कहता हूँ, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब खुशियां नहीं, जब आप पर गम के बादल मंडराएंगे, आपका अपना सगा भाई काम आए ना आए, लेकिन जो दादी परिवार में आपका भाई बना है वो आपका काम जरूर बनाएगा। लहरी इन भक्तों का प्यार मिला है किसके पीछे, दादी तेरे पीछे। नागपुर दादी परिवार मिला है किसके पीछे, ओ दादी तेरे। ऐसे नहीं, एक बार हाथ उठा के कह दीजिए ना, हम तो जो कुछ भी है जैसे भी है किसके पीछे दादी। जरा हाथ खोल के ताली बजा के, हम तो जो कुछ भी है जैसे भी है किसके पीछे, ओ दादी तेरे। हम तो जो कुछ भी है जैसे भी है किसके पीछे, ओ दादी तेरे पीछे। इन भक्तों का हमें प्यार मिला है किसके पीछे, दादी तेरे पीछे। इतनी दौलत ये सम्मान मिला है किसके पीछे, ओ दादी तेरे पीछे। लहरी एक नया परिवार मिला है किसके पीछे। बोलिए झुंझुन वाली मैया की, सांचे दरबार की, मोटी सेठानी की, कहिए जय दादी की। जरा जोर से कहिए जय दादी की। जरा हाथ उठा के कहिए जय दादी की। बोलिए झुंझुन वाली मैया की जय।